ओके वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आई सेड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू चलिए जय हो बहुत बहुत मजेदार थैंक यू थैंक यू मुकेश भाई फॉर गेटिंग दिस किक स्टार्टेड सो अभी हम अगले करीब करीब आधा घंटा कुछ छोटी छोटी सी बातें करेंगे Uh, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखे जो आपको लगेगा कि बहुत डरावनी है पर डरावनी नहीं, नहीं होती है इट्स ऑल वेरी कॉमन सेंस इज वॉट आई यूजली कॉल एज ए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सो दिस इज़ अ स्पेसिफिक बूट कैम्प ऑन स्टार्टअप नाउ विच इज अ वेरी जेनरिक प्रोग्राम फॉर एनीबडी हु इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग इन द नियर फ्यूचर सो द नियर फ्यूचर कैन बी सिक्स मंथ्स वन ईयर और इवन वन एंड हाफ टू टू ईयर्स

सच फिनालेस। सो द रीजन आई थॉट कि ये क्योंकि यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं हमारा पहला एक प्रयोग है ये कि uh, स्कूल के टीम्स और किड्स के लिए हमारा एक पहला प्रयोग है करीब नौ साल से हम लोग लेमन पे बहुत पागलपन की बातें करते हैं करते आ रहे हैं और करते रहेंगे सो so, बहुत समय से हम लोग सोच रहे थे कि कुछ बच्चों के लिए किया जाए बट सम It was not working out. Finally, we said, now this is the time. Beyond colleges, beyond adults, And this was our first experiment. And I'm very happy that today I'm here standing in front of you as part of the finale of Inopinion Junior. It was first attempt. Probably not, not very many such uh, initiatives are, are Kind of dared, but yes, we dared कि हम बच्चों के लिए कुछ करेंगे सो so, uh, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आप लोगों के साथ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर बात करूँ क्योंकि ऑनलाइन में uh, मुझे बहुत मौका नहीं मिला आप लोगों से बात करने के, because का बिकॉज का, काफी ऑल एम एन के लोगों ने शायद आप लोगों से बात की, की थी एज पार्ट ऑफ ज्यूरी एन एक्सपर्ट बट आई मिस दट चांस तो आई थॉट की अपॉर्चुनिटी लूंगा सो कैन वी है स्लाइड्स डिको वील है वेयर आई शो फ्यू कंटेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ टू स्टार्टअप नाउ आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल बट पार्डन में अगर आपको कोई शब्द कॉम्प्लिकेट लगता है तो मुझे प्लीज पूछ लीजिए क्या मैं आपको उसको बहुत ही सिंपल uh, तरीके से समझाने की चेष्टा करूँगा ओके सो स्टार्टअप नाउ इज़ ए गुड कैम्प फॉर यू वेयर इफ यू आर लुकिंग एट स्टार्टिंग अप इन नीयर फ्यूचर What are the four steps? So we'll only talk about four steps. Just very simple four steps. So let's applaud everybody of us here because we are great minds here. We are, not, we, we are and we are when we are discussing ideas here. So so let us applaud that uh, we are discussing great, lot of what common Great mind discuss ideas, average mind discuss events, and small mind discuss people. So I hope we.

को तो निचोड़ के लेमोनेड नहीं बना पाते हैं हम उन आइडियाज़ के साथ काम करके उनको वेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं सो वी एट लेमन आइडियाज वी हेल्प ऑन्टरप्रन्योर्स मेक देयर ओन मेक देयर ओन ओ वाओ फैंटास्टिक सो वील ऑल्सो वी आर ऑल्सो हियर टू मेक सम लेमोनेट्स आज हम कुछ और अच्छे तरीके से अपना अपना लेमोनेट बनाने की कोशिश करेंगे सो so, everybody is an entrepreneur. the only skills you need to be an entrepreneur are ability to fail and ability to have ideas and sell those ideas. They're very simple skills. lot of rocket science, And or mera, that anyone can be an entrepreneur. anyone can be an entrepreneur as i talk in 2022. i think you don't need to be super qualified. you don't need to have those 99.999 percentile marks. you don't need to belong to Few specific communities, you don't need to have that kind of experience per se. I think anybody, anyone can actually become an entrepreneur. Entrepreneurship is something where a uh, jockey matters more than the horse. Horse is your idea, and you are the jockey who is going to ride your horse. So, as a jockey, if you are an entrepreneur, if you are a, if you are a good jockey, even an average horse is fine with you, you will make sure that it will win. बट इफ यू आर एन एवरेज जॉकी प्रोबेबली वो बहुत अच्छे घोड़े का भी बहुत दुर्भाग्य होगा कि वो आपके हाथ में आ गया कि एक बहुत अच्छा आइडिया आपके पास आया बट यू बींग एन एवरेज जौकी आप उसको उतना आगे तक नहीं दौड़ा पाए ओके आई होप यू कैन रिलेट टू ऑल दिस कार्टून साइनो यू आर द पीपल विलेट मोर टू दिस कार्टून प्रॉब्लम मेरे लिए शायद ये बहुत थोड़ा सा थोड़ा सा रिसर्च का विषय था पर आपके लिए बहुत ही नेचुरल होगा ये Uh, not everyone can become a great artist but an artist can come from anywhere so a, so an entrepreneur can come from anywhere so this is a 6e model we normally talk about at lemon this is our own our own developed pedagogy based on 9 years of stupid work crazy work dealing with thousands of entrepreneurs over these years from india across india right from mostly about we have worked with around 18 20 states in terms of entrepreneurs and Around 10 countries. So, we have been fortunate to work with entrepreneurs for more, more than India, which is 10 countries. So, we pe 6C model, banae, and this we realize, is very close to the design thinking. So, it is explore, empathize, experiment, execute, enjoy, and evolve. So, we four steps ki aaj baat karenge, which is explore, एम्पेज एक्सपेरिमेंट एन एग्जीक्यूट सो दिसंपल फोर स्टेप जर्नी अगर आपको अगर आपको कोई भी चीज के ऊपर काम चालू करना है तो हम चार स्टेप की बात करेंगे मन में एक विचार आता है कि मुझे घर बनाना है ठीक है कोई भी अगर आपके मन में विचार है कि मुझे घर बनाना है तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कमॉन आई वॉन्ट सम रेस्पॉन्स फ्रॉम दिल्ड्रडियंस एक घर बनाने की कल्पना कर रहे हैं आप लोग चलो मुझे घर बनाना है अभी आपका पहला स्टेप क्या होगा पार्डन फाइंड द लोकेशन यस और क्या बजट यस yes. और क्या यस yes. घर में क्या लगने वाला है सामान रॉ मटेरियल फैंटास्टिक और क्या होता है जब हम घर बनाने की कल्पना करते हैं वी डिजाइन द हाउस वंडरफुल और क्या होता है एजेंसी इसको हंट करेंगे यस yes, और क्या होता है कौन कौन वन मोर रिस्पॉन्स यस ओ माई गॉड ये उम्र में तो मुझे रिसोर्सेज भी नहीं मालूम था मेरे दोस्त ताली बजा दो यार इस बच्चे के लिए ये है हमारा भारत का भविष्य इस उम्र में मुझे रिसोर्सेज शब्द तो नहीं मालूम था है मुझे इनफैक्ट अंतपर्न शब्द भी नहीं मालूम था जब तक मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पूरी इंजीनियरिंग खत्म होगी मुझे अंतपर्यर में कितने ई आते ये तो बहुत दूर की बात है पर अंतपुन शब्द भी नहीं मालूम था और ये बच्चे आज के जो जो रिसोर्सेज रॉ मटेरियल की बातें कर रहे हैं एट द एज ऑफ सिक्स सेवन एट ईयर्स थैंक यू सो मच सो यस हम हम जब भी किसी आइडिया या हम किसी इमेजिनेकन इमेजिनेशन की जब कल्पना करते हैं तो पहले हम सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं कि हमको करना क्या है सो यसबड़ी साइड की हम जगह ढूंढेंगे क्या बनाना है नीड कितने घर चाहिए कितने रूम चाहिए भाई घर में रहने वाले लोग कितने हैं बच्चे कितने हैं बूढ़े लोग कितने हैं जवान लोग कितने हैं उनके हिसाब से हम घर की डिज़ाइन फाइनल करेंगे उसके बाद रॉ मटेरियल पे जाएंगे तो वो सब स्टेप्स है तो बेसिकली वही स्टेप सही है केवल उनको एक अलग अलग शब्दों में हमने हमने बताया है सो आई क्विकली गो दिस आर द फोर स्टेप गाइड एक्सप्लोर एम्फाइज एक्सपेरिमेंट एंड एंजॉय एंड एग्जीक्यूट सॉरी सो विल टेक वन बाय वन वेरी क्विकली एक्सप्लोर सो सो वाट यूल एक्सप्लोर इस सबसे पहले तो हम खुद को एक्सप्लोर करेंगे दिस इज वन थिंग विच वी कंप्लीटली मिस इन आवर एंटायर एंटायर एजुकेशन आप किसी भी व्यक्ति को बुला के बात कीजिए कि अगर उसने भली 16 साल की पढ़ाई करी होगी या 18 साल की पढ़ाई की होगी उसके आप पूछेंगे कभी आपने अपने आप जैसे अपने आप के विषय के ऊपर कभी आपने अध्ययन किया है तो नॉर्मली हमको उसका जवाब मिलेगा वॉट आर यू टॉकिंग अपने आपके ऊपर अध्ययन मैं तो दुनिया का अध्ययन कर रहा हूं मेरे को तो स्पेस में क्या हो रहा है ये मालूम है प्लूटो के आगे क्या मिलता है ये मालूम है मुझे जल मालूम है वायु मालूम है सब कुछ मालूम है अपने आप के बारे में क्या होता है भाई ये तो मैं तो हूं मैं हूं जैसा हूँ सबसे बड़ी बात है कि हमको यू हैव टू एक्सप्लोर अवर ओन सेल्फ फर्स्ट कि हु वी आर हमको क्या करना है क्यों करना है हम क्या काम करके शायद हम खुश रह पाएंगे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मी वट आई एम डूइंग इज बिकॉज आई एवरी मोमेंट ऑफ दिस मेरे को आप जैसे जितने लोगों से मिलता हूँ मुझे जो मोटिवेशन जो मुझे ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा मुझे आ, आगे का काम चलाने के लिए मेरे को मोटिवेट करती है तो हर एक की आप लोग भी शायद कहीं और अपनी ऊर्जा ढूंढ पाएंगे तो वो ऊर्जा का स्रोत आपका क्या है शायद कुछ अलग होगा मेरा कुछ और था आपका शायद कुछ और होगा तो वी हैव टू तो एक्सप्लोर अवर ओन सेल्फ वी हैव टू तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड कि इस वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर में कैसा काम कर सकते हैं क्या कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो या कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद आप उससे प्रभावित हैं तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको मिलती है तो शायद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेड़ा उठा सकते हैं फ्रॉम प्रॉब्लम्स वी कम टू आइडियाज़ प्रॉप प्रॉब्लम्स एम आइडियाज पे आते हैं बिकॉज प्रॉब्लम्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आइडियाज एंड आइडियाज आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर एंट्रप्रोनरशिप जर्नी देन वी गेट टीम हमारे साथ कौन काम करेंगे कैसे काम करेंगे एम्पेथाइज क्या होता है एम्पेथी का मतलब एनीबडी फ्रॉम द चिल्ड्रन हेयर एम्पेथी एनी वन कैन 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 रिस्पोंड एम्पेथी का बेसिक मीनिंग क्या होता है मे बी डिक्शनरी मीनिंग और वॉट एवर यू अंडरस्टैंड कस्टमर थोड़ा सा टेक्निकल हो गया सर कस्टमर इस प्योर सिंपल एम्पैथीज किसी और की भावना को समझना अगर मैं ये समझ पाऊं कि अभी आप क्या सोच रहे होंगे आपके मन में क्या चल रहा होगा आपकी क्या फीलिंग्स है एज ए पार्टिसिपेंट मुझे मालूम है अभी आप नर्वस होंगे आपको अगर प्रेजेंटेशन देना है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ खड़ी होंगी मैं कैसे बात करूँगी मेरा मैं बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा लोग कैसे सोचेंगे लोग कैसे होगा मेरा प्रेजेंटेशन सो दैट इज एम्पथी बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड की वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ सो एज ए सिमिलर एज एन ऑन्टरप्रियोर इफ़ यू कैन एम्पेथाइज कि हमारा जो भी कस्टमर है जो भी हमारा यूजर है जो भी हमारा बेनिफिशियरी है उसकी पीड़ा क्या है उसका दर्द क्या है उसको जो चाहिए क्या मैं दे सकता हूं अगर उसका दर्द की दवा अगर आपने बना के उसको दे दी तो आपका प्रोडक्ट चलेगा आपकी सर्विस चलेगी बिकॉज आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करी है अब सामने वाले को सामने वाले को लग रही थी भूख और आप उसको दे रहे हैं आयोडेक्स चलेगा नहीं चलेगा तो आपको समझना होगा कि सामने वाले को क्या चाहिए अगर सामने वाले को अगर सामने वाले की भूख भी अगर नाश्ते की भूख है और आप उसको फुल फुल मूल मेन्यू दे रहे तो शायद उसको मजा नहीं आएगा सो एम्पथी इज बेसिकली सामने वाले जो भी हमारे कस्टमर है जिस जो भी हमारे बेनिफिशियरी है जो भी हमारे यूजर हैं वो क्या सोचते हैं वो क्या फील करते हैं अगर ये मैं समझ पाया तो शायद मेरा जो सोल्यूशन बनेगा वो अच्छा बनेगा और मेरे कस्टमर मेरे यूजर उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे सिंपल प्लेन कॉमन सेंस नो नो रॉकेट साइंस एयर नो स्पेसिफिक साइंटिफिक फंडा सामने वाले के हिसाब से हमको काम करना है हमारी सोच के हिसाब से काम केवल नहीं करना ही बहुत बड़ी दिक्कत आती है मैं बहुत से औतोपुनों से मिलता हूं लगता है कि दस में से तीन या चार औतोपुनियो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आती है वो ये होती है कि मेरी मुर्गी की एक टांग नहीं नहीं मैंने तो एआई यूज किया है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा अरे भाई मेरे भाई ए यूज किया है वो सब तो बात सही है लेकिन तुम्हारे कस्टमर को क्या चाहिए उसको वो तो पहले दो आप नहीं मुझे टेक्नोलॉजी आती है साहब मैं तो ऐप बना लिया पर ऐप किसके लिए बनाया भाई ऐप बनाना तो बहुत आसान है आज के वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड टूडे तो इज टू तो मेक एन ऐप बिलीव मी ऐप बनाना आज के टाइम वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड टूडे तो बहुत आसान हो गया है बट किसके लिए बनाया है क्यों बनाया है सामने वाले की प्रॉब्लम कुछ हम सॉल्व कर पा रहे हैं क्या सबसे पहला काम उस पे होना चाहिए पर दो 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 दुर्भाग्यवश जो हमें गलती करता मैंने भी यह गलती कई बार करी है कि जब हम घर बनाने की कल्पना करें आप लोगों ने जो जितनी भी बात करी अगर मैं वहां बोलता नहीं नहीं आप सब लोग गलत बोल रहे हैं मैं क्या करूंगा मैं फावड़ा लेके जाऊंगा और जमीन को खोदने लगूंगा क्यों खोद रहा हूं मैं मुझे यहाँ घर बनाना है हंसने वाली बात हो गई कि भाई आज आपके मन में आज आपके मन में विचार आया कि मुझे घर बनाना है। मैंने क्या किया बेटा मैं गया और फावड़ा लेके खोदना चालू कर दिया घर बना रहा हूं पागलपन है यस yes, हंसने की बात है और एक्चुअल जिंदगी में हम बहुत से मैंने भी ये गलती की है आप लोगों ने भी करी होगी शायद करेंगे बट द ओनली पॉइंट इज इफ दू कैन अवॉइड दिस मिस्टेक वी हैव ए हाई टेंडेंसीज कि हम हम लोग डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पे जंप करते हैं तो उन डेट प्रोसेस हम ये दोनों स्टेप को खा जाते हैं वी ईट दिस टू स्टेप्स ये दो स्टेप गायब हो जाती है और इसका मतलब वही हुआ कि डायरेक्ट फावड़ा लेके जमीन खोदाना हमने समझाई नहीं हमको क्या है, बनाना है क्यों बनाना है किसके लिए बनाना है वो हमने ना प्लानिंग किया ना हमने एक्सप्लोर किया ना हमने डिजाइन किया हम डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के स्टेप पे कूदते हैं बहुत से ये गलती करते हैं और टिपिकली ये जो आई वाले हैं मैं खुद आई वाला रहा हूँ मेरे को खुद को बहुत साल लगे इससे बाहर निकलने में कि भाई वी एल है स्ट्रांग टेंडेंसी कि चलो वेबसाइट बनाते हैं क्योंकि हमको वो काम एक आता है हमको लगता है कि दो रात बैठ के मैं वेबसाइट बना लूंगा दो रात में वेबसाइट बन गई एक महीने में ऐप बन गया

इन्वायरमेंट में हो किसी का वेस्ट में हो किसी का इंटरेस्ट एनर्जी uh, में हो किसी का इंटरेस्ट व्हीकल्स में हो किसी का इंटरेस्ट लॉजिस्टिक जो भी कहीं भी कोई भी इंटरेस्ट आपका हो सकता है फिर आपने उस प्रॉब्लम के अराउंड एम्पेथी बिल्ड कर ली कि भाई आपके जो कस्टमर है उसका दर्द क्या है उसका पेन क्या है यू गो एंड लिव लाइफ विथ योर कस्टमर फॉर आई नॉर्मली आई स्ट्रांगली एडवाइस के बोलो ऑंत को गो एंड स्पेंड सम डेज विथ योर कस्टमर उनकी जिंदगी जी के देखो थोड़े दिन तो समझ में आएगा कि उनका दर्द कहां ज्यादा है कहां कम है तो विल नो एग्जैक्टली वेयर इज यू नो वेरी शार्प मोस्ट ऑफ दोल्यूशन डेवलपिंग ब्लंट अगर ब्लंट धार से चाकू से कुछ काटोगे तो कुछ कटेगा नहीं कटेगा तो चाकू की धार बहुत शार्प होनी चाहिए कि सोल्यूशन आप किसके लिए क्या बनाने वाले हैं देन your sharpness will make sure your execution is very fast so then we experiment हमने एक सोल्यूशन सोचा मन में अभी भी वो एक्सपेरिमेंट है हमारे लिए जूनियर प्रयोग है आज भी हमारे लिए जूनियर एक्सपेरिमेंट है प्रयोग है अभी हम ये प्रयोग कर करो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं मतलब ये मेरे प्रयोग का हिस्सा है हमने इनोपि जूनियर लॉन्च किया पार्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट हमको अक्रॉस इंडिया सौ पार्टिसिपेंट ने हमको रिस्पॉन्स दिया पार्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट पच्चीस स्कूल ने पार्टिसिपेट किया पार्ट ऑफ आर एक्सपेरिमेंट टॉप टेन टीम्स यहाँ आई है पार्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट नाउ वी विल एनालाइज आफ्टर फ्यू एक्सपेरिमेंट्स की हाउ कैन वी रियली एक्जीक्यूट दिस फुल ब्लोन जूनियर्स सो दिस इज पार्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट एंड देन वंस यू हैव एक्सपेरिमेंटेड वनस यू हैव डन सम वर्क देन यू कैन पॉसिबली एक्सपीडाइटेड यू स्टार्ट एक्जीक्यूटिंग इट बेस्ड ऑन द लर्निंग्स फ्रॉम यूर एक्सपेरिमेंट क्या चला क्या नहीं चला फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं लेट लेटस डू सम एक्टिविटी आप लोग के पास एक फॉर्म है अमृतिया कैन वी हैव है फॉर्म विध एवरी फॉर्म है देखिए एक ऐसा फॉर्म है आप लो, आप लोगों के पास उसके बैक साइड में हम कुछ काम करेंगे अभी ऐसा फॉर्म है आपको मिला होगा ठीक है चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा काम करेंगे उसके बाद में ये फॉर्म आपको आपको अगर बहुत आगे काम करना है इंटरेस्ट है तो आप फॉर्म के ऊपर काम करके 5 तारीख तक आपको आपको सबमिट करना है सबमिट करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ मिलेगा चलिए पहले स्टेप में प्रॉब्लम्स जो आपको लगता है कि आप सॉल्व करना चाहते हैं वो लिखना चालू कीजिए पहले नंबर में प्रॉब्लम्स जो भी आपके मन में जो भी एकदम से ख्याल आता है एक दो प्रॉब्लम लिखिए आपको बाद में और समय मिलेगा आप इसके ऊपर और अच्छे से घर पे आप अपने काम कर पाएंगे कोई भी एक दो प्रॉब्लम लिखना चालू कीजिए जो भी आपको लगता है कि आप सॉल्व करना चाहेंगे या आपको लगता है कि यस यू वुड वांट टू वर्क ऑन दो प्रॉब्लम्स इन द नंबर वन सो वी आर एक्सप्लोरिंग राइट नाउ वी आर एट द फर्स्ट स्टेप इज एक्सप्लोर सो वी विल डू दिस एंटायर स्टेप एज पार्ट ऑफ अवर फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सप्लोरेशन ठीक है चलिए प्रॉब्लम्स लिखिए जो भी आपको फेस हुई है या आपने जिन प्रॉब्लम्स के बारे में सुना है आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम अच्छी नहीं है इसके ऊपर किसी ने कुछ करना चाहिए वो किसने वो कोई व्यक्ति आप क्यों नहीं हो सकते हैं अगर ये प्रश्न आपके मन में आता है तो आप एक इनोवेटर हैं आप एक चेंज मेकर हैं आप एक लीडर हैं अगर ये प्रश्न अगर ये सब आपके मन में आता है कि ये कोई और करेगा तो शायद आपको कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर और काम करना पड़ेगा चलिए प्रॉब्लम्स के बाद में आप अपने आप के बारे में दो तीन बातें बातें लिखिए अंडर द कॉलम ऑफ योर ऑफ योर सेल्फ आप सेल्फ के ऊपर दो तीन बातें और लिखिए अमरत्या अब अपने गेस्ट को भी दे दो ना फॉर्मेटी रेफर टू इट हमारे बीच में नितिन गुजराती जी है नमस्कार प्रमोद पंपटवाजी को बहुत सालों बाद देख के बड़ी खुशी हुई मेरे को मेरे बहुत पुराने ओल्ड कलीग आए हैं मिस्टर सुदर्शन जी बहुत सालों के बाद को भी आपका भी अभिनंदन ओके सो प्रॉब्लम्स के बाद सेल्फ अपने आप के बारे में दो तीन चीज लिखिए जो आपको लगता है कि आप में बहुत अच्छे से आपको आता है व्हाट एवर इज योर बेस्ट थिंग इन योर सेल्फ कोई हॉबी हो सकती है कोई स्किल हो सकती है कुछ भी हो सकता है वॉट एवर यू थिंक इज बेस्ट इन यू राइट डाउन डोज टू थ्री थिंग्स अंडर द कॉलम ऑफ सेल्फ अगर आपकी कोई हॉबी बहुत अच्छी है, अगर आपकी कोई स्किल बहुत अच्छी है अगर आपको कोई स्पेसिफिक काम आपको बहुत अच्छे से करना आता है या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपको बहुत तारीफ मिलती है आपने आपके पास अवार्ड्स ही अवार्ड्स हैं ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज हैं सर्टिफिकेट ही सर्टिफिकेट है स्कूल टाइम ट्रोफीज से आपके सोसाइटी में कम्युनिटी में ऐसी कोई चीज़ होगी तो भी आप लिख सकते हैं कि आपको जिस चीज़ के बारे में आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलता है वो भी आप सेल्फ के कॉलम में लिख सकते हैं तो तीसरा कॉलम है और कहीं से कुछ अगर आपको मालूम पड़ा है दिस इज़ योर सेल्फ द इज नो सीक्रेट इंग्रीडियंट जस्ट यू यू आर द मोस्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ योर लाइफ बिलीव मी आप यू आर द मोस्ट सीक्रेट नथिंग एल्स अगर आप अपने सीक्रेट को अगर आप पहचान पाए तो यू आर गोइंग टू बी रॉक स्टार पीपल आपको फ्रेंड्स से कुछ इनपुट्स मिले आपको फैमिली से कुछ इनपुट्स मिलते हैं ऐसी कोई बातें आपको जो यहाँ वहां से मालूम पड़ती है वो आप लिख सकते हैं आपके कोई रोल मॉडल आपके कुछ प्रोफेशनल्स ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स बहुत इन्फ्लुएंस करता है आजकल कि भाई ये ये ट्रेंडिंग चल रहा है कभी इन्वायरमेंट ट्रेंडिंग है कभी एनर्जी ट्रेंडिंग है कभी ए ट्रेंडिंग है कभी एम ट्रेंडिंग है तो आपको अगर ट्रेंड रिलेटेड कुछ बात है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा कि इम्पोर्ट वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्रीज राइट नाउ इज टू एनालाइज हमारा देश सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या चीजें करता है कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे देश की निर्भरता बाहर के देशों के ऊपर में है अगर वो प्रोडक्ट्स और वो चीजें अगर आप कहीं अगर आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं एंड इफ दैट कैन बी योर आइडिया फैंटास्टिक नथिंग लाइक इट बिकॉज आत्मनिर्भर भारत इतने सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है जो हम बहुत से अभी डिफेंस जैसा सेक्टर जो इतने सालों में नहीं खुला था प्राइवेट के लिए खुल चुका है सो एवरी सेक्टर इज गोइंग टू ओपन फॉर प्राइवेट प्लेयर्स सो वाई नॉट यू कुड बी दैट वन ओके नो आइडिया इज इज गुड और बैड सो अभी आप लोगों ने सेल्फ में कुछ लिख लिया होगा प्रॉब्लम्स में कुछ लिख लिया होगा अदर्स में कुछ और अगर इनपुट आपको टेक्नोलॉजी से इंटरनेशनल से यहां वहां से कुछ अगर एक दो इनपुट आए होंगे तो वो आपने लिख लिए होंगे अभी आपको क्या करना है कि ओके, आई स्किप दिस यू ऑलरेडी नो दिस यू माइट फील यूर लॉस्ट फॉर सम टाइम बट Believe me, you will, you will again go back to your track. This is a typical 21-gate idea funnel. This is something which I cannot do it here. This takes almost three days for us to take a bunch of entrepreneurs, go through this 21-gate funnel where they might start with 50 ideas or 30 ideas, or highest has been 117. Ideas. There was one entrepreneur in 2017 who started with 117 ideas. बट फाइनली आफ्टर द एंटायर फनलिंग एक्सरसाइज आप लोग दो तीन आइडियाज के ऊपर आते हैं कि जो शायद आपके साथ मैच हो अगेन अच्छे बुरे आइडिया की बात नहीं है नो आइडिया इज गुड और बैड इट्स इट्स अबाउट आपके लिए कौन सा आइडिया सही है वो आपका आइडिया है मेरे लिए और आइडिया सही होगा शायद आपके लिए कोई और आइडिया सही हो सकता है ओके okay, तो अब हम थोड़ा सा हम थोड़ा सा फनलिंग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे तो अभी आप आपने जो फर्स्ट कॉलम जो लिखा है उसको थोड़ा सा एक बार एक मिनट के लिए उसको एक बार एनालाइज कीजिए और वहां से मुझे यह बताइए कि आपको कौन सा आइडिया या कौन सी प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि आप सबसे ज़्यादा आप रिलेट कर पा रहे हैं बताइए आप उसमें से अपन अभी इसके पर फनलिंग करेंगे हमारे बीच में हमारा एक पुराना कैंडिडेट चिन्मय आया है चिन्मय के साथ मेरी चार साल पहले जिस आइडिया पे बात होती थी उस आइडिया को आज मैं वर्तमान में लोग करते हुए देखता हूँ मुझे हमेशा चिन्मय की याद आती है कि हम लोग चार साल पहले एक आइडिया की कल्पना करते थे कि रीयूजेबल पैकेजिंग प्लास्टिक पैकेजिंग क्यों करना पड़ता है क्यों ना हम ऐसा कुछ पैकेजिंग करें कि हम हमारे हमारे डब्बे लेके जाए लोग उसमें सामान ले लें और हम उसको एक्सचेंज करते हैं और ऐसा एक स्टोर खुल गया नागपुर में और ये स्टोर इंडिया वाइड खुलने वाले हैं तो ऐसे बहुत से आइडिया हैं जो हमारे कितने लोगों से हमारी बातें हुई थी बट वो उसने नहीं किया बट आज वो वर्तमान में वो आइडिया बहुत सक्सेसफुल हुआ अब हमारे लिए बहुत लिमिटेशन होता है कि हम सारे आइडिया पे हम नहीं कूद सकते हम ड्राइवर सीट पे हर आइडिया की नहीं बैठ सकते हैं बट यस देर आर डेफिनेटली लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज सो चलिए लेट्स डू सम फनलिंग एयर अभी अभी सेल्फ के हिसाब से ये पैरामीटर्स हैं जो नॉर्मली हम लोग फनलिंग के हिसाब से यूज करते हैं कि आपके पास कितना समय है उस आइडिया पे काम करने के लिए आपके पास कितना मूल राशि आप कितना रिसोर्सेज उसके ऊपर लगा सकते हैं आप कौन सी जोग्राफी में काम करना चाहेंगे आपके आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट है कोई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है हम कुछ थोड़ा सा रिस्क की बात करेंगे कि भाई रिस्क क्या है अगर फैमिली सपोर्ट है नहीं है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं हमारा इंटरेस्ट क्या है इस सब चीज़ों के हिसाब से हम कोर वैल्यूज के ऊपर हम बात करते हैं तो सेल्फ मैच के नीचे आप दो तीन चीज़ें लिख सकते हैं कि ऊपर आपने जो भी लिखा है ऊपर के कॉलम में आपने जो भी लिखा है वहाँ से सेल्फ आप सबसे ज्यादा कहाँ मैच होता है एक दो चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए ये एक्सरसाइज यूजअली हम तीन दिन की करते हैं मैं छोटा सा एक कोशिश कर रहा हूँ कि हम आपको क्योंकि यूजुअली हम जो भी सेशन लेते हैं ना उसमें कभी ज्ञान की बातें नहीं करते हम लोग

ठीक है सो अब सेल्फ के हिसाब से आपको जो भी दो तीन चीजें उसमें से मैच होती हुई दिख रही है आप उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस कॉलम में लिख दीजिए आपको जो भी ऊपर से लग रहा है कि आप कौन सी चीजें सबसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं आपका सेल्फ कहां सबसे ज्यादा रिलेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ योर पैशन इन टर्म्स ऑफ योर कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर ये आप देखिए उनमें से एक दो चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लीजिए उसके बाद में हम नेक्स्ट नेक्स्ट फनलिंग के ऊपर आते हैं विच इज मार्केट आपने अपना मैचिंग कर लिया अब आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैचिंग करना है अभी मार्केट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी मैचिंग करने के लिए कि भाई मैं ठीक है मैं रिलेट हूँ मैं इस आइडिया के साथ मैं काम कर सकता हूं मुझे इंटरेस्ट है मुझे पैशन है मुझे समझ में आता है जो भी बातें हैं बट बाहर के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा आइडिया अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ सामने वाले कस्टमर की कौन सी नीड है कहाँ पर आपको लगता है कि दर्द ज्यादा है कहाँ पर लगता है कि नीड बड़ी है कहाँ पर लगता है कि आप मोनिटाइज कर पाएंगे मोनेटाइज का सीधा सा मतलब होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को अगर कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं और आपको पैसा देने को तैयार है दैट यू हैव ए वैलिडेशन अगर आप कोई प्रोडक्ट बना के किसी के पास ले जाता है सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भैया मुझे नहीं चाहिए मुझे जरूरत ही नहीं है मैं आपको पैसा नहीं दूंगा तो वो वैलिडेशन नहीं होता है तो वी नीड टू वैलिडेट कि भी सामने वाला व्यक्ति हमको कुछ पैसा या कुछ राशि देने के लिए तैयार है कि नहीं है okay these are few kind of programs which we do at lemon i won't be able to take uh, all this right now but yes yeah, this is a quick uh, snapshot of how we work at lemon in terms of uh, your capability in terms of idea in terms of your challenge entrepreneur challenge in terms of your experience with an entrepreneur these are our few things about pedagogy what we do okay now you have to do फनलिंग के बाद आपको एक बेस्ट फिट आइडिया निकालना है जो आपको लगता है कि आप आप जिसके ऊपर काम कर सकते हैं उस बेस्ट फिट आइडिया के ऊपर आपको एक अपना सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन बनाने के बाद आपको उस सॉल्यूशन के जो भी दो तीन यूजर्स होंगे उनके साथ आपको अपनी एम्पेथी बिल्ड करनी है ये तर, ये आपको पाँच तारीख तक करना है जो लोग हमको ये पाँच तारीख तक दशहरा है जो लोग अपने अंदर का जो ये जो फियर का रावण है है ना हमारे अंदर एक रावण है जो डर और जो और जो रिस्क कि मैं नहीं कर पाऊंगा वो उस जो जो इस रावण का अपने अंदर के रावण का वध करेंगे पाँच तारीख तक और हमको दशहरे के दिन हमको ये नोट शीट बना के भेजेंगे दिल गेट ए डायरेक्ट एंट्री इन टू अवर नेक्स्ट सीजन ऑफ ऑन सीजन नाइन ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है अगर आप दो तीन दिन चार दिन इसके ऊपर कुछ काम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी आप आप दशहरे के दिन अपने अंदर के इस रावण का वध कीजिए जो आपको रोकता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं कर सकता मेरे बस की बात नहीं है मुझे नहीं आता उस रावण को आप मारिए और पाँच तारीख तक अगर आप एक छोटा सा एक असाइनमेंट अगर आप करके हमको भेजते हैं और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए मदद चाहिए तो हमारे बीच में बहुत से लोग हैं तैरना जरूरी है पानी में रहना जरूरी है स्विमिंग अपने आप आ जाएगी हम, हम हमारे हम हमारे मिशन तक अपने आप पहुंच जाएंगे तो वी हैव फ्यू फोर पीपल इन अवर अलेवन टीम अवेलेबल हियर वी हैव सौरभ शाह सौरभ कैन यू जैस रेज योर हैंड प्लीज़ वी हैव सौरभ शाह हियर वी हैव कृष्ण कान्त हिययर वी रेज कृष्ण कान्त येस यू कैन सी कृष्ण कान्त वी कैन हैम अमर्त्या हियर अमर्ता कैन यू रेज योर हैंड एंड वी हैव डिक्की हियर तो दे आर द फोर पीपल हियर फ्राम लेमे स्कूल अगर इस पूरे वर्कशॉप से रिलेट आपको कोई भी और प्रश्न है आपको उनसे कुछ और चर्चा करनी इनसे कुछ और डिस्कशन करना है तो आप इन चार लोगों से आप बात कर सकते हैं इनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं आई थिंक छोटी सी कोशिश थी हमारी कि हम हमारी पैडागोगी हमारी अप्रोच को आपके सामने एक सिंपल शब्दों में रखें और uh, मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे प्रयास आपके लिए uh, लाभदायी सिद्ध होंगे यू विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सो आई थिंक विल गेट टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इवेंट विच आई थिंक यू ऑल आर वेटिंग फॉर सो थैंक यू सो मच आप सबकी जय हो आप सबका मंगल हो धन्यवाद थैंक यू